शिव कुमार वर्मा चैनल्स पर आपका स्वागत है, जहां हम 97,000 मेंबर्स की फैमिली है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर। और आपके लिए बताना चाहेंगे, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल, एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक की कैपिटल ही लगाइए, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों ना हो, 5% तक कैपिटल मत निवेश कीजिएगा एक सिंगल स्टॉक में। और अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 299 का पैकेज लेकर। आइए चलकर शुरुआत करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। क्यों दे रहे हैं यहां आलोक इंडस्ट्रीज की बाय रेटिंग काफी टाइम से, और काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया है आज। जो फर्म बिलीव करते हैं उनको 5% का सीधे प्रॉफिट मिला है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। आइए जरा चलकर देखते हैं क्या होगा अनफर्ल आगे आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज में। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते अगर वो कंपनी को चलाते, पर अभी वो देश की कमान संभाल रहे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से झंडे गाड़ रहे हैं। अब झंडों की बात से याद आई, देखिए 15 अगस्त पर इन्होंने यहां पर प्रण लिया था कि हर घर तिरंगा मुहिम में सबको पार्टिसिपेट करना है, और हुआ भी वही। लोग बाग उमड़ उमड़ कर हर घर पे अपने तिरंगा लगाया, हमने भी अपने घर पे लगाया, उम्मीद करते हैं आपने भी लगाया होगा। ये लाखों लोग को जॉब मिली है इस अभियान से, और साथ साथ में जो फैक्ट्रीज खाली पड़ी थी जिनके ऊपर कोरोना की वजह से इंपैक्ट पड़ा हुआ था, अब वो फिर से काम शुरू हो गया है। कोविड की वजह से जो इंपैक्ट आया था, फिर से डिमांड बढ़ने लगी है एटलीस्ट कुछ सेलेक्टिव एरियाज में। बड़े बड़े ऑर्डर दिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, साथ साथ में देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का ऑर्डर दिया है इन्होंने। साथ साथ में अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात की जाए तो इन्होंने 20 करोड़ झंडों का ऑर्डर दिया है यहां पर। और इस सब के लिए सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है यहां पर, पहले बात की जा रही थी कि खादी के झंडे फैलाने चाहिए, बट खादी का इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना पॉसिबिलिटी नहीं था, बहुत कम समय था क्योंकि 15 अगस्त को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर वहां पर सब्सिडाइज कर दिया और बोला पॉलिएस्टर के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं, और इसी वजह से जो पॉलिएस्टर बनाने वाली कंपनीज हैं उनको काफी अच्छा फायदा मिला है इस तरह से। और ये क्वार्टर उनके लिए एकदम ग्रीन क्वार्टर रहना चाहिए, जैसे जैसे ये बिजनेस फॉर अनफर्ल हो रहा है गुजरात में, वो काफी बड़े लेवल पर यहां पर आइडेंटिफाई किए हैं। 24 करोड़ घरों पर अक्रॉस द कंट्री ट्रायंगल फेस्ट होस्ट किया गया है, समझिए कितने बड़े लेवल पर। ये तो एस्टिमेट था, और यहां पर बताया गया है कि मोर देन 100 करोड़ ये जो झंडे हैं वो बिके हैं। तो देखिए, ये एक तरह से जो सोई हुई इकोनॉमी थी, जो एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उसको उठाने का प्रयास किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास रहा, काफी अच्छी तरह से रिजल्ट मिला है इस तरह से कंपनीज का। और यहां पर अगर हम देवेंद्र दवड़ा जी की बात करें, जो फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वसई में, उनके अकॉर्डिंगली बिजनेस बहुत ढीला पड़ा हुआ था और लोग बाग नहीं खरीद रहे थे, पर अब जब से ये हमारा मुहिम चला है हर घर तिरंगा, चाहे झंडा 50 का हो चाहे 100 का हो, सब लोग उसको खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस वापस आया है यहां पर। टीवी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, प्रिंट मीडिया ने सपोर्ट किया है, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया ही है। तो बहुत अच्छा बात है हमारे हिसाब से, इससे कंपनीज को भी जॉब मिलेगी और उनको प्रॉफिट आएगा वापस। हमारे हिसाब से अगला ट्रिगर पॉइंट फेस्टिव सीजन, जिसमें काफी डिमांड रहती है क्लोथ्स की, तो ये अच्छी खबर मानी जाएगी। आने वाले 2 क्वार्टर ब्रोकर्स का व्यू काफी बाय रिकमेंडेशन का है आलोक इंडस्ट्रीज का। इसके लिए वैल्यूएशन दृष्टि से 19 रुपए के नीचे, ये फेयर वैल्यू के नीचे था, और देखिए इसीलिए हम कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि इसको खरीदिए खरीदिए, और आज काफी हाई वॉल्यूम के साथ ये ऊपर चढ़ रहा है। कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है, हमें इनकी सेल्स बहुत अच्छी पसंद आती है। आइए जरा चलकर देखते हैं। तो देखिए, इनके पास पॉलिएस्टर टेक्सटाइल यार्न की जो कैपेसिटी देखी जाए, वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर डॉप्ड डाई के 600 नैनियर्स है, और 140 मशीन है टोटल, जिसका कैपेसिटी 170,000 टर्न पर एनम की है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो यार्न प्रोड्यूस किए हैं वो सारे के सारे झंडे के प्रोडक्शन के लिए इन्होंने डाइवर्ट कर दिए थे इस टाइम पर। मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 10,000 करोड़ की कंपनी है, एक मिड कैप की तरह से ट्रीट कीजिएगा, चाहे तो अपने पोर्टफोलियो का अप टू 5% हिस्सा इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। डेली 17 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज होते हैं, जो कि एक लिक्विड स्टॉक माना जाएगा करंट पोजिशन पर यहां पर।
अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू की दृष्टि से काफी अच्छा जंप दिखाया है। पिछले 3 सालों में 2 गुना रिवेन्यू हो गया, 2020 के कंपैरिजन में यहां पर 2 गुना रिवेन्यू, यानी कि 33% की CAGR रेट से इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। और उम्मीद लगाई जाएगी कि जिस तरह से इनका प्रॉफिट नेगेटिव लॉसेस से काफी अच्छा जंप किया है, केवल 207 करोड़ का लॉस रहा था इस क्वार्टर में, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2022 में, तो यहां पर उम्मीद लगाई जाएगी कि अगले साल ये पॉजिटिव आएगा और बहुत जल्द उम्मीद लगाई जाएगी कि ये फिर से कंपनी डिविडेंड देना शुरू करेगी। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 75% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, यहां पर पब्लिक की होल्डिंग 22% के आसपास है। FII ने भी शुरुआत की है बट अभी 2% के आसपास सिर्फ होल्डिंग रखते हैं FII, अच्छी बात है। अब अगर हम यहां पर देखें इनकी शेयर होल्डिंग कैपिटल, जो कि अभी के हिसाब से बैलेंस शीट के बेसिस पर -16,000 करोड़ के आसपास है, और इनका जो टोटल नॉन करंट लायबिलिटी है वो 22,000 करोड़ है। ये एक चैलेंज है, यहां से 7,000 करोड़ से बढ़कर ये 22,000 करोड़ करीब करीब 3 गुना जंप किया है पिछले 5 सालों के अंदर, तो इसको इनको डेफिनेटली कम करना है नॉन करंट लायबिलिटीज को। अगर हम इनकी एसेट शीट, एसेट बैलेंस शीट के बाद एसेट को देखें, इनके एसेट टोटल एसेट जो है वो यहां पर फिक्स्ड एसेट, जो कि इनके एनुअल एसेट की तरह से काउंट किए जाएंगे, 5,000 करोड़ के आसपास। फिक्स्ड नॉन करंट एसेट ये भी 5,800, और टोटल करंट एसेट जो है एनुअल वो 2,000 करोड़, टोटल 7,900 के आसपास इनके टोटल एसेट माने जाएंगे यहां पर इस हिसाब से। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है कंपनी में यहां इन टर्म्स ऑफ द एसेट, बट आगे कैसे करेंगे कंपनी बहुत अच्छा होगा। और देखिए आज हुआ भी यही, जैसे जैसे ये कंपनी के रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं यहां से काफी अच्छा मोमेंटम दिखना शुरू हुआ है, 18 रुपये 19 रुपये के आसपास से काफ़ी बढ़ा, और सीधे ये इस खबर के चलते हुए कि इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है, ये 20 रुपये के आसपास पहुंच गया है। हम इसको कंटिन्यूसली बोल रहे हैं 19 के नीचे ये एकदम आपके लिए लड्डू है, और देखिए यहाँ पर 2-3 बार ये यहाँ पर गया है, बट काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अगर आप टेक्निकल भी फॉलो करें तो ये काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाया, फिर 2 बार गया, फिर यहाँ पर दिखाया, फिर 3री बार गया, फिर 4थी बार गया, तो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस बना दिया है इसने इस लेवल पर, और यहां से ये एक फॉलिंग चैनल बन रहा था, इसकी ब्रेकआउट लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट देकर सबसे पहले 23 रुपये के आसपास जाएगा। और ये 50 डे मूविंग एवरेज को देखें तो यहां से 50 डे मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस करेगा 20 का क्लोजिंग बेसिस पर, तो अगला टारगेट 23 रुपये का, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसको बेनिफिट ले सकते हैं इस तरह से। आज अभी यहां करीब 12 बजे हैं और देखिए ऑलरेडी 3 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हो चुके हैं, जो कि पिछले 1 महीने का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इस टाइम पर। अगर हम बात करें आलोक इंडस्ट्रीज ने एक ही दिन में एलिगेटर इंडिकेटर के तीनों पैरामीटर क्रॉस कर दिए। देखिए एलिगेटर इंडिकेटर का सबसे ऊपर का पैरामीटर 19.93 रुपये था, ये क्रॉस करके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही स्टार परफॉर्मेंस रही है हमारे हिसाब से इस स्टॉक की, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 20.45 रुपये का एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, इसको तोड़ने के साथ ही इसमें टेक्निकली बायबैक स्टार्ट होगा। RSI 55 जो कि एक न्यूट्रल जोन कहलाएगा, और अगर बुलियन बैंड को फॉलो करते हैं तो बैंड काफी कम हो गई है, देखिए 6 के आसपास बैंड हो गई है, तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन है, अब ये अपटिक इसकी शुरू होने की उम्मीद लग रही है। यहां पर MACD को देखें तो MACD ने बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है यहां से, जब इसका भाव करीब 19.10 रुपये के आसपास था और अभी 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा है। एक चीज जो हमें इनकी पसंद नहीं है वो है इनका करंट डेप्थ पोजीशन, डेप्थ थोड़ा ज्यादा है, अगर ये किसी तरह से डेप्थ को कम कर लें तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है इनको। डिटेल ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में अगर स्मॉल कैप या मिड कैप या फिर लार्ज कैप हो 2-5% की लिमिट रखिएगा, टेक्निकली काफी अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है ये स्टॉक, और अगर हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है मिल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद जय भारत।